हेलो गाइस, कम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आई हूँ अमेजन हॉल, और उसमें से मैंने कुछ प्रोडक्ट्स मिंत्रा से भी ऑर्डर किए हैं, तो मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर कर दूंगी। और ये थे वो सारे प्रोडक्ट्स जिनका मैं आज आपके साथ हॉल करने वाली हूँ। तो ज़्यादा लंबा इंट्रो ना देते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आई बॉट दिस पैराडाइज हेयर कलर, सेमी परमानेंट हेयर कलर, और ये शार्क टैंक में अपने पिच लेके आए थे, तो इन लोगों को बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट मिली थी सारे शार्क से। तो मैंने सोचा कि मैं ट्राई करती हूँ, तो इसमें मैंने मंगाया है फूशिया पॉप पिंक कलर, और ये कुछ इस जार में आता है, ये ग्लास जार में आपको रिसीव होता है। क्लेम करता है कि इसका जो कलर है वो 7 से 8 वॉश में चला जाएगा, और अलग अलग हेयर टेक्सचर के अकॉर्डिंग, कलर्स के अकॉर्डिंग ये रहेगा। तो इसका जो लुक है वो इसमें दे रखा है, कितने डार्क और लाइट कलर्स के हेयर पे ये किस तरीके से रहेगा। और ये कुछ इस टाइप का है, एज यू कैन सी ये पैराबेन फ्री है, लैब टेस्टेड है, इसके पूरे इंस्ट्रक्शंस इसमें दिए हुए हैं, तो आप उसमें पढ़ के आप उस अकॉर्डिंग अपना हेयर कलर कर सकते हैं एट होम। तो काफ़ी कुछ टाइम बाद मैं उसको ट्राई करूँगी, तो उसका वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। नेक्स्ट प्रोडक्ट आई बॉट दिस फेस आइस रोलर, तो ये मैंने अमेजोन से परचेज़ किया है, ये मुझे 150 अप्रोक्स पड़ा था। मैं सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। और इसका यूज़ से आपके अंडर आइज में जितनी भी पफिनेस है और जितना भी डार्क सर्कल्स का प्रॉब्लम है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ इस टाइप का है, मैंने पानी डाल के उसको फ्रीज़ किया हुआ है ऑलरेडी, कि मैं आपको दिखा सकूँ। मैं इस होल से आप उसमें पानी पोर करके इसको बंद कर सकते हो और आप उसको फ्रीज़र में रख सकते हो। तो मैंने उसको यूज़ किया है और मुझे इसके रिज़ल्ट अच्छे लगे, मतलब इंस्टेंट आपको फ्रेशनेस दे देता है और डलनेस चली जाती है। ओवरऑल ये अच्छा प्रोडक्ट है। इसमें एक और भी अदर कंपनी का आता है, घर संसार का, वो थोड़ा प्राइसी है, थोड़ा ज़्यादा प्राइस कॉस्ट करता है अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट। तो मुझे थोड़ा चीपर में ही जाना था, मुझे ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट बाय नहीं करना था, तो उस अकॉर्डिंग मुझे ये अच्छा लगा, तो मैंने ये बाय किया है। तो गाइस ये कुछ इस टाइप का दिखता है, और इसको आप अच्छे से ऐसे रब कर सकते हो, इसमें आप क्यूकम्बर जूस भी डाल सकते हो, नीम जूस भी डाल सकते हो, एज यू वॉन्ट, आपको जिस टाइप का आपका टेक्स्चर है, आपको आपकी जो स्किन डिमांड करती है, तो उस अकॉर्डिंग आप कोई भी जूस डाल के या डायरेक्ट पीसेस, स्मॉल पीसेस कट करके भी आप डाल सकते हो। तो आप उसको अंडर आइज में, अभी मैंने मेकअप किया हुआ तो मैं नहीं करने वाली हूँ, तो अंडर आइज में आप उसको अच्छे से रब कर सकते हो। तो ये ओवरऑल अच्छा प्रोडक्ट लगा मुझे इसके प्राइस के हिसाब से, तो अच्छा है, थम्स अप फॉर दिस प्रोडक्ट। इसको मैं वापस फ्रिज में रख गया। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने बाय किया है वो है ये हेयर क्लिप्स, मैं आपको खोल के दिखाऊं। ये 3 के सेट में मुझे रिसीव हुई है, और इसमें मैंने पिंक और ये रामा ग्रीन टाइप कलर मैंने चूज़ किया है, और इसका ना बहुत ही अच्छा क्वालिटी है, एकदम बहुत ही प्यारा टेक्स्चर इसका, जैसे वेलवेट टाइप सॉफ्ट, मतलब बहुत ही अच्छा टेक्सचर है इसका। मैं इसको इस टाइप से लगा के भी यूज़ कर सकती हूँ, मैं उसको मेकअप करते टाइम भी अपने बालों में लगा के यूज़ कर सकती हूँ। तो ओवरऑल इसका लुक बहुत प्यारा है, क्यूट सी क्लिप्स है, आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। इसका सेट ऑफ 3 में आपको मिलेगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, हिट द बेल आइकन। आज के लिए इतना ही, तो अपन मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।